हाय, इट्स मी डॉक्टर जीत। होप यू गाइस आर डूइंग वेरी ग्रेट। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हाइट बढ़ना पॉसिबल है? क्या आपकी जो हाइट है उसको बढ़ाया जा सकता है? तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी डाउट को क्लियर करने वाला हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ कि क्या हाइट है उसको बढ़ाया जा सकता है क्या। मार्केट के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट अवेलेबल है जो कि दावा करते हैं कि आपकी जो हाइट है उसको बढ़ा देंगे, आप इसे कंज्यूम कीजिए, आपकी जो हाइट है वो बढ़ जाएगी, 100% गारंटी भी लेते हैं। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, क्या वो सच में है? क्या आपकी हाइट है वो सच में बढ़ाई जा सकती है क्या? तो इसको समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा साइंस के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी जो हाइट है वो नॉर्मली कैसे बढ़ती है, आपके जो बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं जिसके कारण आपकी जो हाइट है वो बढ़ती है, और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण आपकी जो हाइट है उसको डिसाइड किया जाता है आपकी हाइट है वो बढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि फीमेल्स के अंदर 18 की उम्र के बाद में और जो मेल के अंदर 21 की उम्र के बाद में हाइट का जो बढ़ना है वो नामुमकिन होता है, क्योंकि इस उम्र से पहले हमारी जो बोन होती है उसके अंदर पाई जाती है ग्रोथ प्लेट, और ये जो ग्रोथ प्लेट है इसके कारण ही हमारी जो बोन है उसकी लंबाई है वो बढ़ती है, हमारी हाइट है वो अल्टीमेटली डिसाइड होती है। जैसे बोन की लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो हाइट है वो बढ़ती है, लेकिन 18 की उम्र या 21 की उम्र के बाद में ये जो ग्रोथ प्लेट होती है हमारी हड्डी के अंदर, ये जो ग्रोथ प्लेट होती है ये ओसिफिकेशन हो जाता है। ओसिफिकेशन मतलब वो जो ग्रोथ प्लेट है वो बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, कार्टिलेज है ये बोन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ये भी हड्डी बन जाती है, ये भी बोन बन जाती है और बोन का पार्ट बन जाती है, जिसके कारण हमारी जो हाइट है उसके बाद नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो अगर आप हाइट बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी हाइट कम है, तो आपको ये जो डिसीजन है ये आपको 18 की उम्र से पहले ही लेना होता है कि मुझे अपनी हाइट है उसको बढ़ाना है। 18 की उम्र से पहले आप अपना अच्छा न्यूट्रिशन लेके, अपने न्यूट्रिशन के अंदर अच्छे जो वाइटमिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको लेके आप अपनी हाइट है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट हैं वो दावा करते हैं कि इसको यूज़ करने के बाद आपकी जो हाइट है वो बढ़ जाती है, चाहे आप किसी भी एज में हो आपकी जो हाइट है वो बढ़ जाती है। तो जो प्रोडक्ट ऐसा दावा करते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट फेक हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, आपकी जो हाइट है वो उसके बाद में नहीं बढ़ सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी हाइट के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, अगर आप इन पे फोकस करते हैं तो आपकी हाइट है वो बहुत ही अच्छे से बढ़ती है, आपकी हाइट है वो अच्छी होती है। इसमें जो सबसे पहला और जो सबसे प्राइम फैक्टर होता है वो आपके आती है जेनेटिक्स, आपकी हेरिडिटी। अगर आपके मदर और फादर की हाइट है वो अच्छी है तो अल्टीमेटली उनकी जो ऑफ स्प्रिंग है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी हाइट है वो अच्छी ही होती है। तो हेरिडिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने हाइट को लेके। सेकेंड आता है आपके जियोग्राफिकल एरिया, कुछ ऐसे जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ के लोगों की जो हाइट है वो थोड़ी कम होती है, तो ये आपके जो जियोग्राफिक एरिया है, आपकी जियोग्राफिक कंडीशन है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी हाइट है वो कैसी होने वाली है। और जो थर्ड फैक्टर आता है आपके आता है न्यूट्रिशन। अगर आप अपनी ग्रोइंग फेज के अंदर अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, अच्छा इनटेक करते हैं, अच्छा सप्लीमेंट लेते हैं, तो आपकी हाइट है वो अल्टीमेटली बढ़ती है। न्यूट्रिशन की बात करता हूँ तो उसके अंदर सबसे पहला आपके आता है प्रोटीन, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारी जो सेल्स है वो प्रोटीन की बनी होती है, तो आपको प्रोटीन का जो इंटेक है उसको जितना हो सके उतना ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए, उतना ज्यादा यूज करना चाहिए। यहाँ पे ये जो लिस्ट है जिसके अंदर हाई प्रोटीन रिच डाइट है वो आपको बताया गया, आप चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, आपको प्रोटीन का सोर्स है वो कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाता है, तो आप इनको फॉलो जरूर कीजिए। सेकेंड आपके आते हैं मिनरल्स और वाइटामिंस, जो कि आपकी हाइट के लिए बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कि आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे मिनरल्स हैं और वाइटामिंस हैं जो कि आपकी हाइट है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। मिनरल्स के अंदर भी आपके जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये आपकी हाइट के लिए बहुत ही अच्छे से, आपकी बोन के लिए बहुत ही अच्छे से लाइक वर्क करते हैं, आपकी बोन की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाते हैं। और अगर विटामिन की बात करता हूँ तो विटामिन डी आपकी हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी बोन की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, आपका जो इनटेक है उसको बूस्ट अप करता है, आपकी जो हाइट है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स मिलके आपकी जो हाइट है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं, और ये जो प्रोडक्ट हैं जो कि दावा करते हैं इनको यूज़ करने के बाद आपकी हाइट वो बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, 100% गारंटी लेते हैं, आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करना, आपकी एज चाहे कुछ भी हो वो आपकी हाइट को बढ़ा देता। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं वो फेक हैं, ऐसे जो वीडियोज़ हैं जो कि दावा करते हैं वो सारे वीडियोज़ फेक हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए कि क्या ये प्रोडक्ट काम करेंगे या नहीं करेंगे। मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है ताकि मैं आपको अवेयर कर सकूं, आपको एक्चुअल जो रियलिटी है उसको फेस करवा सकूं और आपको एक सही प्रोडक्ट चुनने में मदद कर सकूं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।